नमस्कार दोस्तों, चर्चा उड़द फिल्म अड्डे में आप सभी की एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बंगाली वेब सीरीज डैनी डिटेक्टिव आईएनसी के बारे में, जिसे रिसेंटली क्लिक ओटीटी पे रिलीज किया गया है। ये एक थ्रिलर जॉनर वाली वेब सीरीज है, जिसके डायरेक्टर है अंजन दत्त। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस वेब सीरीज को और जानेंगे क्या ये वेब सीरीज आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है डैनी की, जो एक डिटेक्टिव है। एक दिन इसके पास एक केस आता है किडनैपिंग का। डैनी उसे खुद ही हैंडल करते हैं, लेकिन उस केस को सॉल्व करते हुए मौके पे डैनी की मौत हो जाती है। तो वो केस क्या रहता है और किसने डैनी को मारा है, ये जानने के लिए डैनी के असिस्टेंट सुब्रत शर्मा केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब आगे क्या होता है, कौन है असली कल्पिट, क्या सुब्रत असली कल्पिट को पकड़ पाता है, क्या रहती है आगे की पूरी कहानी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। वेल, कहां देखनी है, तो ये बंगाली वेब सीरीज है, इसे आप क्लिक ओटीटी पे इजीली सर्च करके देख सकते हैं। वेल, बंगाली वेब सीरीज है, लेकिन अगर आपको बंगाली नहीं भी आती है तो आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। सीरीज की स्क्रिप्ट एंड स्टोरी टेलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की रहती है। यूजुअली ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्में सीरीज बहुत ही कम बनते हैं। इसकी स्क्रीन प्ले टोटली एंगेजिंग है, सीरीज फास्टली मूव करती है, जिस वजह से हमें नजरें हटाने तक का मौका नहीं मिलता। सिनेमाटोग्राफी क्लोज टू रियलिस्टिक है एंड इसका बीजीएम भी काफी डिसेंट है। डायलॉग्स नैरेटिव रहते हैं। इस सीरीज के लीड रोल में है अंकिता चक्रवर्ती, अंजन दत्त, समदर्शी दत्ता, सुप्रभात दास आदि आदि जैसे कलाकार। अंजन दत्त एस डैनी लुक्स वेरी इंटेलिजेंट, इनकी परफॉर्मेंस एकदम अलग ही रहती है। मुझे पर्सनली सुप्रभात एस सुब्रत शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। इनका कैरेक्टर पूरे सीरीज में स्टैंड आउट करता है एंड पूरे सीरीज में सबसे स्पेशल रोल रहता है अंकिता चक्रवर्ती का। इनका कैरेक्टर सभी को शॉक कर देता है। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो सभी की परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है। कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से यहाँ डेवलप किया गया है, जिस वजह से हम सभी कैरेक्टर से जुड़ पाते हैं एंड सभी को बराबर का स्क्रीन ऑन टाइम दिया गया है, जो अच्छी बात है। एडिटर ने अपना काम बखूबी निभाया है, पूरे सीरीज को सिर्फ 2 घंटे तक रखा है, जो जरा भी लेंदी फील नहीं होता कहीं भी, जो एक प्लस पॉइंट है। थ्रिलर को सीरीज में काफी अच्छे से बिल्डअप एंड मेंटेन किया गया है। शुरू से कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। इसके इन्वेस्टिगेशन को और बेटर किया जा सकता था। क्लाइमैक्स इसके एकदम शॉकिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। जब असली कल्पिट का पर्दाफाश होता है, तब आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती है। इन शॉर्ट, ये एक चालाक सीरीज है जो आपके दिमाग के साथ खेलना जानती है। मैं सीरीज को रेट करता हूँ 8.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैंडा गैलेंस की बात करते हैं, इसमें काफी गाली गलौज, वल्गैरिटी, वायलेंस, क्लोजअप शॉट्स दिखाए गए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो, इसे अकेले ही देखिएगा। अगर आपने इसे पहले देखा तो आपको ओपिनियन कैसा लगा हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। नहीं देखा तो आप इसे देख ले कहां, क्लिक पे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करें सब दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद हो। और हाँ, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए।